दमोह जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना अंतर्गत किल्लाई नाका से बालाकोट रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्लोरी ब्यूटी पार्लर में आग लगने के बाद यहां पर सूचना मिलने के पश्चात लोगों का मजमा लग गया। मालूम हो कि शॉर्ट सर्किट से यहां आग लगना बताया जा रहा है। आग लगने के बाद दुकान मालिक ने मौके पर पहुँच करके शटर का ताला तोड़ करके यहाँ पर लगी आग को देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं जिनकी दुकान है वह काफी व्यथित हैं। वहीं आग पर काबू पाए जाने के बाद सामान को बाहर निकाला गया है, लेकिन इस आगजनी के बाद लंबा नुकसान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। अरे वो कहा है ना कि आप सही समय पर लगा दे, देखो जब पका रहे मकान मालिक का फोन आया कि दुकान में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से लगी है, काफी कुछ सामान जले। क्या घटना सामने आई है और कहाँ पे स्थित है? काफी कुछ सामान जला है, बहुत सारा। किस चीज की दुकान थी? हमारा पार्लर था, ब्यूटी पार्लर। सुबह टाइम में कहो कि पार्लर में कोई नहीं था, 12 बजे पार्लर खुलता है, पार्लर बंद था सुबह। क्या नाम लिखते हैं? मंजू शर्मा, ग्लोरी ब्यूटी पार्लर।